माशाल्लाह जी सब खाना खा रहे हैं, अब जो है ना हमारी बारी है क्योंकि हमने अभी खाना है। आपकी भाभी जो है ना मेज़बान बनी हुई है सब। वाह जी वाह जी वाह, हबीब वाला झाड़ू लगा रहा है कमरे का। होए होए, ऊपर ऊपर सीधी खड़ी। ये देखे जी हबीब वाला को पसीना। और इधर जी दवाई बन रही है, अम्मी जान बना रही है। और ये किस चीज़ के लिए आप सब बहन भाइयों को बताते हैं। मैंने मूंछों की सेटिंग करवानी थी तो मुझे चौक पे छोड़ दिया था भांजे मेरे ने। बारात जा रही है या लेने के लिए जा रही है दुल्हे साहब को। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे। अल्लाह के करम से हम भी ठीक हैं। जहाँ भी रहा खुश रहें, आबाद रहें, हमें दोनों याद रखें, हंसते मुस्कराते रहें फूलों की तरह। जो न्यू है हमारे चैनल को कर दें सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अच्छे अच्छे कमेंट। आज जो है ना हम वीडियो नहीं बना सके, सुबह का टाइम आप सब बहन भाइयों से ये शेयर नहीं कर सके क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और आपके भाई की तबीयत भी ठीक नहीं थी। कोई और मसला भी हो गया था, रात आपका भाई वहाँ चला गया, वो रात को जो है ना 2-2.5 बजे वापस आया था, तो इसी वजह से हम वीडियो नहीं बना सके। अल्लाह पाक खैर करे। आप सब बहन भाई ने दुआ ज़रूर करनी है कि जो मसला हुआ है वो भी ठीक हो जाए और आपके भाई की भी तबीयत ठीक हो जाए और मेरी तबीयत भी कुछ बेहतर हो जाए क्योंकि मेरी तबीयत जो है ना ठीक नहीं थी। बस पता नहीं किस तरीके से जो है ना कोई काम किया है मैंने, समझ भी नहीं लगती कि मुझे क्या है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, रहे हमारे साथ। दूध आ गया था, आधा दूध जो है ना मैं ये उबाल कर रही हूँ और आधा जो है ना ये जाग लगा कर इसे जो है ना दही बनाएंगे, फिर जो है ना सुबह इसकी छाछ बनाएंगे। ये तंदूर के अंदर मैं रख रही हूँ, ये गर्म हो जाएगा फिर जो है ना इसे अंदर रख दूंगी। बस ये जो है ना ये भी तंदूर में रख दो। ये कहाँ रखो, इधर हांडी पड़ी है, इनकी जगह जो है ना नहीं हो रही, इसकी जगह बनानी पड़ेगी मुझे, फिर जो है ना इसको रखती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से आप सब बहन भाइयों की दुआओं से आपका भाई अल्ताफ बिल्कुल ठीक ठाक है। हमारे देखने वाले सुनने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा अपनी सामान में रखे। जो बीमार है अल्लाह ताला सबको सेहत कामिल अता फरमाए और जो परेशान हाल है अल्लाह ताला हमारे तमाम बहन भाइयों की तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और जो औलाद है अल्लाह ताला उन सबको औलाद नरीना अता फरमाए। इसी दुआओं के साथ आज की वीडियो करते हैं शुरू। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें फौरन आपके पास पहुंच जाए। तो माशाल्लाह आज जुम्मा का दिन है, मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने वालों को बहुत बहुत जुम्मतुल मुबारक मुबारक हो। और कल से जो है ना कुछ तबीयत ठीक नहीं थी और कल काफ़ी सारे जो है ना मसले भी बन गए थे, तो रात हम चले गए थे कहीं पे, तकरीबन 2:30-3 बजे मैं सोया और तबीयत जो है ना बिल्कुल अपसेट थी। सुबह उठा फिर जो है ना मैं सो गया था और वीडियो हम नहीं बना पाए, सुबह की रूटीन आप सब बहन भाइयों से शेयर नहीं कर पाए और आपकी भाभी की तबीयत भी ख़राब थी। अब
सेकंड टाइम है। और आपकी भाभी गई हुई है वहाँ पे, जो यतीम बच्ची उसकी आज रुस्ती थी, और मेरे बेटे और भांजे के साथ गई है, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी, इतनी कुव्वत नहीं थी मुझ में कि मैं जा पाता। तबीयत जो है ना बहुत ज़्यादा अपसेट थी, तो मैं सारा दिन जो घर पे रहा, और अब जो है ना मैं कहीं पे जा रहा हूँ, थोड़ा सा काम है, शहर भी जाना है। किसी तरह हिम्मत की उठा और आपकी भाभी वहीं पे गई हुई है, तो वो वीडियो आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप सबसे गुजारिश है हमारे साथ रहना है, वीडियो को सब बिल्कुल नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखना है, और आगे की सारी वीडियो आप सब बहन भाइयों से शेयर करते हैं। हम जा रहे हैं इस बाइक पे, अबू बकर की बाइक है, इससे मांगा है, मिन्नत की है, क्योंकि मेरी बाइक तो आपकी भाभी ले गई है बच्चों के साथ। चलें जी शहजाद, चलो। तो शहजाद भांजा और मैं इकट्ठे जा रहे हैं, क्योंकि इन बेचारों को पैसे देने हैं, कहीं से पैसे ढूंढते हैं इनके लिए, ये बेचारे काफ़ी परेशान हैं। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, ये देखें जी, ये वापस आ चुके हैं, बाइक गुजर जाए फिर इनको मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ जी सुनाए। हाँ सुनाए, आपकी तबीयत कैसी है? बस बेहतर है कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पे जा रहे हो? शहर में थोड़ा काम है, हम वहीं पे जा रहे हैं। हो गई रुखसती? जी बस हम जब गए तो रुखसती जो है ना हो रही थी, जाने वाले थे। जी बस जाने वाले थे हम, जो है ना पहुँच गए थे, मंजी से कहा कि आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है, तो आपका बेटा नहीं आ सका, तो हम माजरा चाहते हैं। हमने कहा कि कोई बात नहीं, अगर आ जाते तो मुझे जो है ना अच्छा लगता, चले मैं जब इजी होंगी तो फिर जो है ना आऊँगी पता करने के लिए। बस हमने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई है, फिर हम वापस आ गए क्योंकि बच्चों के साथ थे ना। चले ठीक है, घर चलो मैं आ रहा हूँ फिर। ठीक है बच्चे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह जी, काम हमारा हो चुका है, अब हम वापस जा रहे हैं घर की तरफ। चले जी, मैंने मूछों की सेटिंग करवानी थी, तो मुझे चौक पे छोड़ दिया था भांजे मेरे ने, और वो चला गया था। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मूछों की सेटिंग वगैरह करवा ली है, और अब जो है ना मुझे पैदल जाना पड़ रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, और मेरे जो है ना पसीने छूट रहे हैं, और टाइम इस वक्त हो रहा है 5:15 का शाम के, यानी कि 5:15 बज रहे हैं, लेकिन गर्मी की शिद्दत वैसे बरकरार है। अल्लाह ताला रहम फरमाए हम सब पे, गर्मी जो है ना बुरा हाल कर रही है, बस दुआ ही कर सकते हैं और बर्दाश्त कर सकते हैं, बाकी तो हमारे बस में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी का काम है, और ये मौसम अल्लाह ताला की तरफ से आते हैं, गर्मी सर्दी। और हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे चार मौसम होते हैं, खिजाम बहार गर्मी सर्दी, यानी कि चार मौसम बन जाते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम जी खान साहब, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम है। आप सुनाए ठीक है? अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। कहाँ पे जा रहे हो? अच्छा अच्छा ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक। तो ये खान साहब है, और इधर हमसाए हमारे करीब ही बैठे हैं, तो दुआ सलाम हो गए, चलें ठीक है, मेहरबानी जजाकल्ला। तो अब चलते हैं घर जी, सफ़र अभी भी पड़ा है मेरा, तकरीबन 8-10 मिनट का सफ़र हो जाता है पैदल का तकरीबन, तो जाना पड़ेगा पैदल, क्या कर सकते हैं। घर पहुंच के आप सब बहन भाइयों से मिलते हैं इंशाल्लाह ताला, और आगे की सारी वीडियो आप सब बहन भाइयों से शेयर करेंगे। ये कोई बारात जा रही है या लेने के लिए जा रही है दूल्हे साहब को, ये कार आगे जा रही है दूल्हे की, साज धाज के जा रही है, मेरे ख्याल में बारात पे जा रही है, और फिलहाल तो खाली जा रही है, फिर दूल्हे को लेके जाएगी तकरीबन। ओए होए होए होए, बड़ी गर्मी है यार। ये लें जी, अभी पहुंचा है भांजा मेरा, इधर ठहरना, नमाज अदा करते हैं, अजान भी हो रही है। ला इलाहा इल्लल्लाह, असर की नमाज अदा करते हैं फिर घर चलेंगे। और ये देखें जी माशाल्लाह, अब जो है ना, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, क्या हाल है? अब नमाजियों के लिए कुछ आसानी हो गई, पंखे भी लग गए हैं माशाल्लाह से, बहर जो है ना अब सफ़े निकालेंगे और नमाज यहीं पे अदा करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें जी वज़ू बनो जी। तो वज़ू मैंने बना लिया है, और ये आप देख सकते हैं ये टूटियाँ वगैरह लगी हुई हैं, सारा काम जो है ना हुआ है, लेकिन इसकी मोटर जो है ना वो जल गई थी, ना किसी के पास तौफीक हुई और ना कोई जो है ना मोटर ले सका, तो वज़ू यहीं पर बनाना पड़ता है वाटर पम्प पर, और यहाँ पे जो है ना मोटर की ज़रूरत है, अगर मोटर लग जाए तो यहाँ पे जो है ना टूटियों पे वज़ू बना सकते हैं। तो जब एक दो बंदे वज़ू बनाते हैं तो बाकी जो है ना सब इंतज़ार में खड़े होते हैं,
वो वजू बना लेंगे, वाटर फारे होगा तो बाकी जो है ना बाद में वजू बनाएंगे। तो इस तरह कभी कभी जो है ना किसी की जमात भी छूट जाती है, तो यहाँ पे जो है ना ज़रूरत है मोटर की। मोटर अगर लग जाए तो काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, और ये जगह जो है ना ये दरसगाह के लिए रखी हुई है, तो इंशाअल्लाह ताला कभी ना कभी जो है ना यहाँ पे दरसगाह बन जाएगा। काफ़ी दफ़ा मैंने वीडियो अपलोड की थी हमारे ओल्ड चैनल पे, लेकिन कोई इंतज़ाम नहीं हुआ अभी तक। अगर कोई बहन भाई कोई मुखय्यर हज़रात यहाँ पे दरसगाह बनाना चाहे तो आप सबके लिए सदका जारी होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी बस्ती है, यहाँ पे काफ़ी घराने हैं, और अगर दरसगाह बन जाएगा तो बच्चे जो है ना कुरान पाक की तालीम हासिल कर सकेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी ज़रूरत है दरसगाह की। तो ये मस्जिद भी माशाल्लाह आबाद है, 5 वक्त यहाँ पे बाजमात नमाज होती है। और ये परेशानी थी पंखों की, अल्हम्दुलिल्लाह अब लग चुके हैं शुक्र अल्लाह ताला का, पंखे भी अब जो है ना आसानी के साथ नमाज नमाज अदा कर सकते हैं। और अल्लाह ताला भाई शफी को अजर अजीम अता फरमाए जिन्होंने इसमें जो है ना हिस्सा शामिल किया है पंखे लगवाने में, अल्लाह ताला उन्हें सियात कामिल अजर अता फरमाए जी। तो नमाज हमने अदा कर ली, और गर्मी जो है ना अभी तक भी तो अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल भी कम नहीं हुई। ये आप देख सकते हैं मेरे सफ़ेद कपड़े हैं, पसीना दिख नहीं रहा, वरना ये सारे गीले हो चुके हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी है। 5:45 का टाइम हो चुका है, अभी तक जो है ना शिद्दत बरकरार है गर्मी की। अब घर चलते हैं और आप सब बहन भाइयों से कोई रेसिपी शेयर करेंगे, तो आप सबसे गुजारिश है वीडियो को कम्प्लीट देखना है, सकी बिल्कुल नहीं करना। बस मैं घर पहुँचने वाला हूँ जी। तो मैं घर पहुँच चुका हूँ, और 4 पहिया वगैरह जो है ना निकाल दिए हैं। ये देखें जी खुबैब की हालत देखें, पसीना पसीना है। हाँ जी गर्मी हुई बैठी है जी। सलाम करो। अस्सलाम कांटी जी, आप भी ठीक होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। जहाँ मेरा खुश रहा बाद रास्ते में खतरा छोड़ने के लिए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। ये देखें पानी का छिड़काव भी लगाया था, लेकिन वो जो है ना जमीन खुश्क हो चुकी है। ये आप देख सकते हैं गर्मी अभी तक जो है ना वैसे बरकरार है, अल्लाह पाक रहम फरमाए, मौसम ठंडे हो जाए, वरना हालात जो है ना बड़े ख़राब हैं गर्मी की वजह से। और इधर जी दवाई बन रही है, अम्मी जान बना रही है, और ये किस चीज़ के लिए आप सब बहन भाइयों को बताते हैं, पहले इसके अज्जा बता देता हूँ। ये जामुन है 1 छटांक, 1 छटांक करेला है, और 1 छटांक सब्जी इलायची छोटी इलायची, और ये है जी काली मिर्च, ये भी 1 छटांक से ये कम लग रही है, होती तो 1 छटांक है। और ये हैं जी छोले भुने हुए, और ये जौ, और ये है जी बादाम, 1 पाव बादाम, 1 पाव छोले, और बाकी जो है ना 1 छटांक। ये सारे अज्जा इनमें जो है ना खरल कर लेंगे, इनको कूट लेंगे, और फिर मिक्स करके सुबह निहार मुँह 1 चम्मच इसका जो है ना लेना है। ये शुगर के मरीज़ के लिए ग़िज़ा भी है और दवा भी है, ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है। ये फिर भी आप देख सकते हैं, ये जामुन 1 छटांक, 1 छटांक ये करेला, 1 छटांक छोटी इलायची, 1 छटांक ये काली मिर्च, 1 पाव काला चना भुना हुआ, और 1 छटांक बादाम, सॉरी 1 पाव बादाम, 1 पाव ये काला चना, बाकी जो है ना ये 1 छटांक ये काला जौ है, और ये है नीम के पत्ते, ये भी 1 छटांक। तो इन सब चीज़ों को कूट कर आप मिक्स करके रख दें अपने पास, और 1 चम्मच सुबह निहार में इस्तेमाल करें। शुगर के लिए ज़बरदस्त नुस्खा है ये माशाल्लाह से। इधर जी लहसुन छीले जा रहे हैं, टमाटर भी आए हुए हैं, और रेसिपी किस चीज़ की बन रही है आज? आज रेसिपी बन रही है उजरी। उजरी जी सर लें जी उजरी, सुबह जो है ना रख दी थी तंदूर पे, और अब जो है ना उसे बनाएंगे खाएंगे। चलें जी उजरी की रेसिपी बन रही है, लहसुन छीले जा रहे हैं, टमाटर भी आए हुए हैं, प्याज भी, सब मिर्चें भी। हाँ जी। तो फिर रेसिपी आप आज जो है गर्मी बहुत ज्यादा है, आप सब बहन भाई ने दुआ करनी है कि गर्मी कम हो जाए। अल्लाह ताला रहम फरमाए, गर्मी बहुत ज्यादा, अल्लाह बहुत ज्यादा करे, क्या करें, बर्दाश्त करनी पड़ेगी, मजबूरी है, मजबूरी है। लहसुन कुटाई हो चुका है, अब प्याज और टमाटर बेचारों की कुटाई होने लगी है, इसका बन रहा है पेस्ट। इधर जी दवाई कूटी जा रही है, जो अज्जा है ये आप देख सकते हैं, अम्मी जान की जो दवाई बन रही है ना, इधर चने अभी पड़े हैं, और ये इलायची और जामुन और करेले भी चले गए हैं, तो इनको कूट के सब अज्जा को फिर आपस में मिक्स कर देंगे। ये है जी ओजरी, इसको जो है ना उबाल लिया है, ये कुर्बानी वाली ओजरी है, तो ये हार बना दिया था आपकी भाभी ने, अब इसको उबाल लिया है,
जैसे हाँ मैंने वैसे ही डाल दिया था। हाँ क्योंकि ये खुश्क हो गई थी ना, ये धागा नहीं निकलता था। हाँ जी अब आसानी के साथ ये निकल रही है और फिर बनाते हैं रेसिपी। वाह जी वाह जी वाह, अभी बोला झाड़ू लगा रहा है कमरे का, ये देखे जी ये अपनी मम्मी का हाथ बटा रहा है। अभी बोला काम करता रहता है बेचारा, झाड़ू वगैरह घर का काम जो है ना ये करवाता है जैसे मैं करवाता हूँ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये तो हर चीज़ रेडी हो चुकी है, इधर पेस्ट भी तैयार हुआ पड़ा है और ओजरी भी साफ कर लिया निकाल लिया है और ये हांडी भी आ चुकी है, बाकी इज्जा चीज़ें जो ज़रूरत की होती हैं वो भी आ चुकी हैं, आग भी जल चुकी है। अब हम जो है ना इसको हांडी को ऊपर चढ़ाएंगे और रेसिपी तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले जा रहा है जी घी, ये आ गया जी घी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब जा रहा है जी पेस्ट प्याज टमाटर और लहसुन का। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आ गई जी हल्दी और ये लाल मिर्च और ये खुश्क धनिया और नमक कहाँ है, नमक उधर पड़ा है, अभी इनको कहती हूँ ले आएगा। ये देखें जी हबीबुल्लाह ने झाड़ू लगा भी लिया, ऊपर ऊपर खड़े हो जाओ, ओए होए ऊपर ऊपर सीधे खड़े। ये देखें जी हबीबुल्लाह को पसीना, अल्लाह माफ़ी, अबू हवा लगवा लो, रहने दो अब इधर रहने दो, मैं नमक उठा लो, नमक इधर पड़ा है। हाँ जी ये नमक है, ये लो जी नमक, और अब जा रहा है जी नमक, पहले मैं इधर डाल दूँ या हांडी में डालूँगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आ गया जी नमक और ये आ गई जी हांडी तंदूर के ऊपर। हाँ जी यार जो है ना ये चमचा लाई है, डुई कहाँ है, डुई आज गुजारा करती हैं, डुई भी है। हाँ तो डुई ले आओ ना, इसका ये फिर ये ना चमचा जो है ना नुकसान देता है, चमचे के ऊपर घी भी लग चुका है और ये मिसाले वगैरह भी लग चुके हैं, और ले आऊंगी तो उनके आप जो है ना घी इसके ऊपर से उतार लो, डुई ले आओ क्योंकि इसके घुमाने से जो है ना इसकी वो मट्टी उतरती है हांडी की, ये बताया आपको, मुझे पता है इसीलिए तो मैंने ये कभी नहीं उठाया। हाँ ये बाजी शहीन ने मुझे कहा था कि आप जो है ना ये मट्टी वाली हांडी में ये चम्मच इस्तेमाल ना किया करें। मैं ले आऊंगा अभी इधर ही लेकर। माशाल्लाह जी मसाले फ्राई हो चुके हैं, यानी कि सोड लग चुकी है, अब टाइम आ चुका है ओजरी डालने का। हाँ जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अब डाल रही है जी ओजरी, नज़दीक जो है ना ये तंदूर खड़ा नहीं होने देता, तंदूर एक तो सेक है और धुआं। खड़ा नहीं होने देता इधर, तो इसको भी जो है ना वो ब्राउन कर लिया है ओजरी को जी। अब डाल रहे हैं जी पानी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये आ गया जी पानी, अब थोड़ी देर वेट करेंगे और ये तैयार हो जाएगा जी, फिर बनाएंगे रोटी। अल्हम्दुलिल्लाह जी सालन बन चुका है, अब रोटियां लगाई जा रही हैं और टाइम काफी लेट हो गया है, ये देखें जी चलें जी जल्दी करें फिर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, माशाल्लाह जी सालन तैयार हो चुका था, अम्मी जान आप प्लेटों में डाल रही है और फिर सब मेहमानों को भी खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं, रोटियां भी सारी लग चुकी हैं, ये देखें माशाल्लाह जी सब खाना खा रहे हैं। अब जो है ना हमारी बारी है क्योंकि हमने अभी खाना है, आपकी भाभी जो है ना मेज़बान बनी हुई है, सबको खिला रही है, हम बैठ के फिर खाते हैं इंशाल्लाह ताला। अब बना रहे हैं जी हम मैंगो जूस और आम छिला जा रहे हैं और टाइम इस वक्त हो रहा है एक मिनट 11:48 PM ये आप देख सकते हैं क्योंकि मेहमान जो है ना अभी गए हैं और हमें अभी टाइम मिला है, वीडियो का एंड भी नहीं कर सके और वीडियो भी हमारी अपलोड नहीं हो पाई, ये आज आप देख रहे हैं हफ्ते वाले दिन जुम्मे वाले दिन की ये वीडियो है,
तो आप देख रहे हैं हफ्ते वाले दिन, क्योंकि मेहमान काफ़ी थे हमारे घर पे, मेरी सिस्टरें और मेरे कज़न वगैरह, कुछ मामलात हैं ऐसे जिसकी वजह से जो है ना काफ़ी परेशानी बनी हुई है। तो काफ़ी जो है ना मेहमान होते हैं हमारे घर पे, इसलिए जो है ना वीडियो हमारी अपलोड नहीं हो पाई, एक नागा हो चुका है हमारा वीडियो का। तो अब हम मैंगो जूस पी के फिर सोएंगे। हाँ जी, पहली मैंगो जूस हमारा हो चुका है रेडी। जिस भाई ने अगर पीना है तो मोस्ट वेलकम, जल्दी से आ जाए। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल जो है ना रेडी हो चुका है, जल्दी जल्दी तो हम यहाँ पे नहीं पियेंगे, बाहर बैठ के पियेंगे, क्योंकि यहाँ पे पसीना आया हुआ है, बाहर थोड़ी सी हवा लगवाएंगे पंखे पे, फिर जो है ना इसको हम पियेंगे इंशाल्लाह। और हमारी आज की वीडियो भी कंप्लीट हो चुकी है। जिन बहन भाइयों को हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, हमें रखना है दुआ में याद, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।